अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि दोनों क्वेश्चन मैंने समझा दिए और मुझे तब पता चला कि मेरा कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी। काफी पेनफुल लम्हा है ये मेरे लिए, और अल्लाह मुझे सब्र जमील अता फरमाए कि जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन अब इसका एक सीन ये है कि जल्दी में मैं समझा दूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी लिख दी है तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, लेकिन जो मेरी मेहनत थी वो मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, नीचे कमेंट आ रहे होते हैं सर हेल क्यों रहे हैं आप, भाई यूरिक एसिड का इशू है। तो खैर तुम क्या मैं बताऊं, तुम लोग शिकायतें कर लेते हो, मुफ्त में चीजें मिल रही है ना, एहसास नहीं है। खैर हम किसी और दिन बेइज्जती करेंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा बता देता हूं मैं। 9 में लिखा क्या था, इफ 3 तुम्हें याद है यार, कि हो ही रहा था कि आपके पास, इसमें बताया था जितने प्रोबेबिलिटी के सवाल है ना उसको आपने मेंटली समझना है। इसके अंदर क्या मैंने बताया था कि भाई 3 बुक्स हैं जिनको आपने मतलब आपके पास एक शेल्फ है जिसके अंदर 3 नॉवेल्स पड़े हुए, 3 डिफरेंट नॉवेल्स की बुक होगी, 4 डिफरेंट पोएम्स होंगी, डिफरेंट पोएम सेम पोएम नहीं, डिफरेंट पोएम्स होंगी और एक डिक्शनरी होगी। तो टोटल 8 बुक्स आपके पास पड़ी हुई है, 3 आपने उसमें से सेलेक्ट करनी है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 8 में से अगर आपने 3 सेलेक्ट करनी है तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 56 पॉसिबिलिटी है 8 में से 3 सेलेक्ट करने की। अब ये तो आपने सैंपल स्पेस निकाली ना, असल पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट ये था कि द डिक्शनरी इज सिलेक्टेड। ये जो 56 है इसके अंदर ऐसे वेज होंगे कि जिसमें एक डिक्शनरी होगी बाकी 2 नॉवेल्स होंगे, या एक डिक्शनरी होगी बाकी 2 पोएम होंगे, या एक डिक्शनरी होगी नॉवेल होगी एक पोईम होगी, 3 सेलेक्ट करने ना आपने तो डिफरेंट तरीके होंगे। ये वो सब तरीके जो अभी मैंने आपको बताया उसमें डिक्शनरी लाजमी सेलेक्ट हुई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी तरीके होंगे जिसमें डिक्शनरी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक नॉवेल 2 पोएम, एक पोएम 2 नॉवेल, तीनों नॉवेल तीनों पोएम, डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। और इन पॉसिबिलिटी में भी नॉवेल और पोएम अगर अलग कर दो, फॉर एग्जाम्पल एक नॉवेल और 2 पोएम आप सेलेक्ट करो, तो इसमें भी कि कौन सा नॉवेल आपने सेलेक्ट करना है इसमें भी कैटेगरी है, कौन सी 2 पोएम सेलेक्ट करनी है उसमें भी कैटेगरी है। तो ये 56 आपके सामने ओवरऑल लिखा है ना, इन सब में ये सब इंक्लूड होगा। आप किसमें इंटरेस्टेड हो, आप उसमें इंटरेस्टेड हो कि जिसमें एक डिक्शनरी लाजमी सेलेक्ट हुई हो, जो आपने 3 बुक सेलेक्ट करनी है उसमें एक डिक्शनरी लाजमी हो। तो भाई ओवरऑल एक डिक्शनरी है, अगर उसी को आपने सेलेक्ट करना है तो 1C1 होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 डिक्शनरी होती और आपको बोला जाता है कि एक डिक्शनरी आपने सेलेक्ट करनी है उन 3 में से, तो 3 डिक्शनरी में से एक को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते, 3C1 होते। लेकिन आपके पास है ही एक डिक्शनरी तो एक में से एक सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा, चाहो तो आप 1 लिख दो या 1C1 लिख दो, बात एक ही है। और जो बाकी 2 है वो कुछ भी हो उसमें हमें कोई मसला नहीं है, भाई एक डिक्शनरी होनी चाहिए, बाकी 2 दोनों पोएम हो, दोनों नॉवेल हो, या एक पोएम एक नॉवेल हो, हमें से कोई गलत नहीं है, एक डिक्शनरी लाजमी सेलेक्ट होनी चाहिए। तो डिक्शनरी का आपने लिख दिया, अब आपके पास पीछे कितनी बुक्स हैं, पीछे 7 बुक्स हैं, 3+4 7 बुक्स हैं, 7 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, हमें इसमें कोई इशू नहीं है कौन सी वो 2 सेलेक्ट हो। तो 7C2 आपने बाकी 2 सेलेक्ट कर ली, एक आपने डिक्शनरी सेलेक्ट कर ली। तो सॉल्व करो, 21 तरीके हैं, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा 21/56, 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। अब जरा देखो जब आपके पास सॉल्यूशन लिखा हो तो कितना जल्दी आप सॉल्व कर लेते हो, तो मेरे लिए आसानी होती है इसमें। इसमें भी थोड़ी मुश्किलात हैं कि मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना पड़ता है एक एक चीज देख देख के, लेकिन मेरे लिए आसान होता था बाद में, ठीक है कि पहले से लिखा और मैं बता दूं। लेकिन स्टूडेंट कहते हैं सर सामने सॉल्व करें, तो उसके लिए वीडियो भी लंबी होती है, फिर वो मसले भी होते हैं, हैंडल भी अब जिस मोबाइल में रखी हुई है सब सेव की है ना वीडियो, उसमें जाहिर सी बात स्टोरेज का भी इशू होता है, एक्सटर्नल ड्राइव लेनी पड़ती है टीबी की, 2 TB की है, पर इसमें ज्यादा आसानी होती है, टाइम भी जल्दी लग जाता है। पहले मेरी सारी वीडियोस ऐसी हैं अगर आप लोग फर्स्ट की देखो। पर तो दूसरा पार्ट क्या था कि जो 8 में से आपने 3 सेलेक्ट करनी है उसमें एक नॉवेल और 2 पोएम हो, तो एक नॉवेल 2 पोएम होने के कितने तरीके हैं, मतलब कितने तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो टोटल 3 नॉवेल है, 3 में से कोई भी आपने एक सेलेक्ट करना है तो 3C1, बाकी 2 पोएम करनी है तो 4 में से कोई भी 2 पोएम कर लो, टोटल 4 पोएम है, 4C2 रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो 3×6=18, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 18/56, क्योंकि टोटल सिलेक्शन 56 है, प्रोबेबिलिटी आपके पास 9/28 आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा था कि अ रूम हैज 3 लैंप्स, एक रूम के अंदर 3 लैंप्स हैं, ठीक है, टोटल 10 बल्ब है, भाई 3 लैंप है 10 बल्ब है, जिसमें से जो 6 हैं वो नो गुड है, ये इंग्लिश बुक में लिखी हुई है कि 6 जो है वो नो गुड है। नो गुड का मतलब टूटे हुए, ये टूटे हुए नहीं होंगे वरना फोटो पता चल जाएगा फौरन। फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट है वो, मतलब आप लगाओ तो लाइट नहीं आ रही, या फॉर एग्जांपल लाइट आ रही है बहुत कम आ रही है, बहुत डिम लाइट होगी, या
अभी हम फॉर एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी के लिए कंसिडर करते हैं कि वो बल्ब ऐसे हैं कि सामने से आपको पता नहीं चल रहा वो खराब है, लेकिन जब आप लगाओगे तो वो खराब है, लाइट नहीं चलेगी उनकी, ठीक है। तो छह ऐसे बल्ब हैं जो खराब हैं, जिनकी लाइट कुछ भी नहीं है, और चार ऐसे बल्ब हैं, भाई टोटल दस हैं, उसमें से छह अगर खराब है तो बाकी चार क्या होंगे, ठीक ही होंगे। तो चार ऐसे हैं कि जिनको लगाओगे तो आपके पास लाइट आएगी, ठीक है। अब वो आपको बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपके पार्ट वन छोड़ दो, पार्ट एक ही पार्ट है इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपके कमरे में मतलब तीन आपने सेलेक्ट करने हैं, आपके पास तीन लैंप है तो हर लैंप के लिए एक एक बल्ब सेलेक्ट करोगे, पहले लैंप के अंदर एक बल्ब, दूसरे के अंदर एक, तीसरे के अंदर एक, तो तीन लैंप है, आपने तीन बल्ब सेलेक्ट करने हैं, अगर उर्दू में बात करें तो बल्ब होगा, तीन बल्ब आपने सेलेक्ट करने हैं, टोटल दस बल्ब है आपके पास, तो दस में से तीन सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 10C3 सॉल्व करो 120 है, मतलब दस बल्ब में से तीन बल्ब अगर आपने सेलेक्ट करने हैं तो 120 तरीके हैं। अब उन 120 तरीके में डिफरेंट तरीके होंगे, अब जरा उसको पहले छोड़ दें, असल चीज ये कि हमने बोला था कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब मैं तीन बल्ब लैंप्स में लगाऊं तो मेरे कमरे में लाइट हो। अब ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, मेरे कमरे में लाइट हो। अब लाइट कितने केसेस में हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल जो आपने तीन बल्ब सेलेक्ट किए हैं उसमें एक सही बल्ब हो बाकी दो खराब हो। देखो एक तो लाजमी सही होना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों गलत होंगे, तीनों खराब होंगे तो लाइट नहीं होगी आपके कमरे में। मिनिमम अगर आपको लाइट चाहिए आपके कमरे में तो एक सही बल्ब होना चाहिए, मतलब एक लैंप अगर आपका जलेगा तो आपके रूम में लाइट होगी। तो डिफरेंट केसेस हैं इसके अंदर। पहला केस कि आपने जो तीन सेलेक्ट किए उसमें दो खराब है एक ठीक है, अभी भी आपके कमरे में लाइट होगी, उसको इस तरह लिखोगे कि चार ठीक है उसमें से एक सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 4C1, और बाकी दो खराब अगर आप सेलेक्ट करो तो छह में से दो खराब के इतने तरीके। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो आपने तीन सेलेक्ट किए उसमें दो ठीक हो एक खराब हो, तो चार ठीक में से दो सेलेक्ट किए, छह खराब में से एक खराब आपने सेलेक्ट किए। और एक आखिरी पॉसिबिलिटी भी तो है कि जो आपने तीनों सेलेक्ट किए वो तीनों ठीक हो, तब भी आपके कमरे में लाइट होगी। इन तीनों केसेस में लाइट होगी ना, तो चार है उसमें से तीन, और ये 6C0 लिखना चाहो तो लिख लो पूरा कंप्लीट करने के लिए कि फिर आप जीरो खराब बल्ब सेलेक्ट करोगे, क्योंकि तीन आपने गुड कर लिए, तीन ही करने थे आपको, तो जो खराब बल्ब है जीरो सेलेक्ट हुए। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, इन 120 में ऐसी भी पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर आपने तीनों खराब सेलेक्ट कर लिए, वो आप कैसे निकाल सकते हो, छह खराब है उसमें से तीन सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 6C3, मतलब 20 ऐसे तरीके होंगे, 6C3 20 होता है, 20 ऐसे तरीके होंगे जिसमें से आपने खराब बल्ब सेलेक्ट किए होंगे, जबकि 100 ऐसे तरीके हैं जिसमें से तीन खराब नहीं है, मे बी एक खराब हो या दो खराब हो या कोई भी खराब ना हो। ये जो तीन मैंने अभी केस डिस्कस किए ना, इन सब में लाइट आपके रूम के अंदर होगी। लाइट सिर्फ एक केस में नहीं होगी कि आपने तीनों खराब सेलेक्ट किए, अगर आपने एक ठीक सेलेक्ट किया है या दो ठीक सेलेक्ट किए हैं या तीनों ठीक सेलेक्ट किए हैं, इन तीनों केसेस के अंदर आपके कमरे में लाइट होगी, वही आपने मालूम करना था। तो ये आ जाएगा 100। फॉर एग्जाम्पल पेपर में सवाल को चेंज करते हैं और बोलते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपके कमरे में लाइट ना हो, तो लाइट अगर नहीं होगी तो एक ही केस है उस वक्त जब आपने तीनों खराब सेलेक्ट किए हो, तो छह है खराब उसमें से तीन खराब सेलेक्ट करने हैं तो 6C3 होगा, मतलब 20 होगा। तो 20 ऐसे तरीके हैं जिसमें से अगर आप लगाओगे तो आपके कमरे में लाइट नहीं होगी। तो लाइट अगर नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकालनी होगी तो 20/120 कर देना। अभी आपको निकालना था कि लाइट होगी, तो 100 केस है, 100/120 मतलब 5/6, मतलब काफी चांसेस है, 5/6 का मतलब ऑलमोस्ट 80-90% चांसेस है कि आप 10 बल्ब में से अगर आप तीन लगाओ तो आपके कमरे के अंदर लाइट हो, चाहे एक बल्ब जल रहा हो, चाहे दो जल रहे हो या चाहे तीन चल रहे हो, लेकिन लाइट आपके कमरे के अंदर होगी। तो ये मैंने पूरा आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद 11 में लिखा हुआ है, अ पर्सन चांस ऑफ विनिंग अ रैफल इज 1/36। भाई मैंने गेम्स खेले तो नहीं है यार, ये पानी गिरा राले नहीं मेरी टपक रही थी, मैंने खेले तो नहीं है गेम, लेकिन पढ़े हैं मैंने गूगल पे। मैंने आप लोगों को एक दफा लॉटरी के बारे में बताया था, ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर। लॉटरी एक गेम होता है, एक रेफल होता है। जहां तक मुझे इनके दरमियान डिफरेंस पता चला है वो ये है कि लॉटरी में सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि लॉटरी में ये पॉसिबिलिटी है कि कोई भी ना जीते। मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल 50 नंबर हो लॉटरी में, क्या होता है कि 6 नंबर वो पिक करते हैं, हर बंदा आएगा टिकट खरीदेगा, फॉर एग्जाम्पल $2 का या $10 का जितने भी टिकट है। मैं डॉलर में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में है नहीं ना, ये तो बाहर में ज्यादातर यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल $4 का उसने टिकट खरीदा और वो एंटर हो गया, उसने 50 नंबर उसके सामने, कोई भी 6 नंबर उठा लेगा, इसी तरह बाकी लोग जो 6 नंबर उठा लेंगे। जिसे रिजल्ट आएगा क्या होगा कि रिजल्ट जो भी आएगा उसमें से वो 6 नंबर उठाए जाएंगे। ये 50 नंबर है उसमें से अगर आपने 6 उठाने हैं तो 50C6 ऑप्शन है इसके अंदर, और 50C6 लाखों में नंबर आएगा,
मतलब कोई लाख से ऊपर तरीके हैं जिसमें 50 में से 6 नंबर उठा सकते हो आप। लॉटरी जब निकलती है, जब रिजल्ट में जो 6 नंबर उठाए हैं और जो आपके पास 6 नंबर है वो एग्जैक्ट मैच कर रहे हो, तब लॉटरी निकलना कहते हैं उसको। इसके बहुत ही कम चांसेस है। और इसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि फॉर एग्जाम्पल देखो 50C6, मैं बता देता हूं 50C6 का मतलब क्या है। 50C6 का मतलब ये है कि यूनिट 100,000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ 58,90,000। 50 नंबर में से अगर आपने 6 सेलेक्ट करने हैं, उसके इतने टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब ये एक, आपने जो 6 नंबर उठाए हैं ये एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, जो आपने 6 नंबर उठाएंगे वो एक पॉसिबिलिटी है, फिर कोई और बंदा 6 उठाएगा वो दूसरी पॉसिबिलिटी है। इस तरह करते करते 1 करोड़ पॉसिबिलिटीज हैं, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा है, 1.5 करोड़ पॉसिबिलिटी है कि 50 में से आप कोई भी 6 नंबर आप उठा सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इतने तो लोग ही, फॉर एग्जाम्पल 1,000 लोग मतलब उसमें लॉटरी में हिस्सा ले रहे हैं, तो 1,000 बंदे 1,000 में से उठाएंगे 6, मे बी जो रिजल्ट में जो निकलेगा वो वाला ना हो जो 1,000 लोगों ने उठाया। तो लॉटरी में चांसेस होते हैं कि आपकी लॉटरी ना निकले, बिल्कुल चांसेस है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी की लॉटरी निकल जाती है, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है। रेफिल क्या होता है? रेफिल में ये होता है कि जैसे आप रेफिल में लाजमी कोई ना कोई बंदा जीतता है। उसमें ये होता है कि जो टिकट होते हैं ना वो खुद दिए जाते हैं कि ये टिकट बेच रहे हैं आपको, ये वाला टिकट बेच रहे हैं, आपने वो खरीद लिया। अब जो जो उन्होंने टिकट बेचे है ना उसी में से कोई निकलेगा, तो उसमें से कोई पिक करते हैं विनिंग टिकट, जिस बंदे ने लिया होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो रेफिल में आप लाजमी जीत सकते हो, ये फर्क है रेफिल और लॉटरी के अंदर। पर हम सवाल पे आ जाते हैं। सवाल में क्या है, द प्रोबेबिलिटी द पर्सन चांस ऑफ विनिंग अ रेफिल इज 1/36। बंदे के रेफिल में जीतने के कितने चांसेस है? 1/36 चांसेस है। तो आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ रेफिल, रेफिल विन करने के कितने चांसेस है? 1/36 चांसेस है। इफ ही होल्ड्स 10 टिकट, मतलब उसने 10 टिकट खरीदे, जब टिकट बंट रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 1,000 टिकट थे तो सबको बांट रहे थे, तुम इतने लो तुम इतने लो, फॉर एग्जाम्पल जो बंदा उसने 10 टिकट खरीदे, जितने टिकट टोटल बंट रहे थे उसने 10 खरीद लिए। ठीक है, तो आप इसको ये कह सकते हो कि अच्छा सवाल पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी टिकट हैव बीन सोल्ड, मतलब कितने टिकट उन्होंने बेचे हैं। मतलब इस बात को आप जरा समझो कि एक अमाउंट होगी ना जितने टिकट उन्होंने बेचे होंगे। प्रोबेबिलिटी आप किस तरह निकालते हो? प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो टोटल टिकट कितने हैं और आपके पास कितने टिकट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि रेफिल है उसके अंदर 1,000 टिकट है टोटल, 1,000 में से उन्होंने लोगों को बेच रहे हैं, 1,000 में से मैंने 50 टिकट बाय कर लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की, तो भाई टोटल 1,000 टिकट थे, ये डिनोमिनेटर आ गया, मैंने कितने खरीदे 50, 50/1,000 मेरी प्रोबेबिलिटी है, कंसीडरिंग कि वो एक टिकट उठाएंगे, ठीक है, जीतने वाला, तो मैंने 50 खरीदे, 50/1,000 ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, जो कि सवाल में हमने गिवन की हुई है। अच्छा, आप ये नहीं कर सकते, आमतौर पर स्टूडेंट कहते हैं सर प्रोबेबिलिटी गिवन है ना तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में सैंपल स्पेस है, नहीं, ये सिंप्लीफाइड हुई है ना, मे बी ये हो 2/72, 2/72 भी क्या होता है 1/36 होता है। ठीक है, तो अगर आपने डिनोमिनेटर को देख के डायरेक्ट निकालना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। 10 से क्यों करना है मैं बताता हूं, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 360। वजह ये है कि उसने 10 खरीदे हैं, तो आपने जितने टिकट खरीदे हैं वो ऊपर आता है और टोटल टिकट नीचे आते हैं, तो आप इस फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब आप ये कह सकते हो कि डिनोमिनेटर में है कि टोटल टिकट कितने हैं और न्यूमिनेटर में कि आपने 10 टिकट खरीदे हैं, तो इस तरह आप आंसर बता सकते हो कि टोटल टिकट 360 थे, लेकिन एमसीक्यूज नहीं है, आपको यहाँ पे वर्किंग करनी है, तो वर्किंग से आप किस तरह बताओगे, छोटा सवाल है लेकिन आप स्टेप्स किस तरह लिखोगे वो जरा देख लेते हैं। कि जो आपका फेवरेबल इवेंट है, मतलब आपने कितने टिकट खरीदे हैं भाई, 10 टिकट खरीदे हैं, और आपको ये नहीं पता कि टोटल टिकट थे कितने हैं। नॉर्मली आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी, आपको सैंपल स्पेस में पता होता था और आपने कितने खरीदे हैं, मतलब इसमें एग्जांपल मैं कंसीडर करूं तो नॉर्मली होता था कि आपको बता दिया जाता था कि कितने टिकट्स हैं, कितने आपने खरीदे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालो। इस वाले सवाल में आपको प्रोबेबिलिटी दे दी है, आपने कितने टिकट खरीदे वो दे दिए, टोटल टिकट कितने थे वो निकाल लें, तो कोई मसला नहीं है, सिंपल इक्वेशन है। प्रोबेबिलिटी इस इवेंट को जीतने की पी ऑफ ए है, जिसका फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी है 1/36, एन ऑफ ए है 10, एन ऑफ एस आपको निकालना है, तो इसको उधर ले जाओ, 36 को उधर ले जाओ, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, 36 को 10 से करो 360,
तो इसका मतलब सेंट्रल स्पेस में टोटल 360 टिकट होंगे। मतलब अगर 360 टिकट टोटल हो उसमें से लोगों को बांटे जाए और एक बंदे ने 10 टिकट लिए हैं और वो एक टिकट जीतने वाला निकाले तो उस बंदे के जीतने के कितने चांसेस है, 10 टिकट है, उसके पास 10/360 मतलब 1/36 प्रोबेबिलिटी है कि जो एक टिकट निकाले हैं वो उसके पास मौजूद हो, इतने परसेंट चांस है कि वो जीत जाए। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल हमारा हो गया। अब 12 पे आ जाओ, छोटा सवाल था। 12 में लिखा हुआ है अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स, तो आप लिख लो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 4 है। अ बॉल ड्रॉन 3 बॉल्स एट रैंडम, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 बॉल्स आपने रैंडमली ड्रॉ की हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब पार्ट 1 पे आ जाओ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑल द 3 बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 3 बॉल उठाई हैं वो तीनों क्या हो, ब्लैक हो, क्या प्रोबेबिलिटी है इस चीज की। सबसे पहली बात बच्चों, सैंपल स्पेस जरा निकालते हैं। सैंपल स्पेस में क्या होगा यार, टोटल कितनी बॉल्स हैं आपके पास, टोटल 9 बॉल्स हैं। चाहो तब यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेना कि टोटल कितनी है, टोटल 9 बॉल्स हैं। तो टोटल 9 बॉल्स हैं, कितनी आपने उठानी है, 3 उठानी है। तो भाई 9 में से 3 उठाने के कितने तरीके हो सकते हैं, 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो 9/8/7 डिवाइडेड बाय 6, पहले भी निकाला था मेरे ध्यान में रहा, ये 2, 3, 4, 84। हाँ तो टोटल 84 तरीके हैं 9 बॉल में से 3 बॉल उठाने के। अब आपका जो इवेंट है वो क्या है, आपका इवेंट है कि तीनों बॉल जो है वो ब्लैक हो। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, जो 3 बॉल उठानी है वो 3 की 3 ब्लैक हो। अब टोटल ब्लैक बॉल कितनी है भाई, 5 ब्लैक बॉल है, 5 में से 3 उठाने के कितने तरीके होंगे, 5c3 होंगे। तो 5 अगर आपने ब्लैक बॉल उठा ली, 5 में से 3 अगर आपने उठा ली, तो फिर व्हाइट में से कितनी उठाओगे, व्हाइट में से 0 उठाओगे। चाहो तो लिख सकते हो, ये चाहो ना लिखो, 4c01 होते ना, क्योंकि 3 अगर आपने ब्लैक उठा ली तो व्हाइट कितनी उठाओगे, व्हाइट नहीं उठाओगे क्योंकि टोटल 3 उठानी थी आपने। तो चाहो तो लिख दो, वरना चाहो ना लिखो, बात ये की है। तो 5c3 क्या हो जाएगा, 5c3 बचो 10 होता है। तो इन 84 तरीकों में से 10 ऐसे तरीके हैं जिसमें तीनों क्या होंगी, ब्लैक होंगी। ठीक है, कंसिडरिंग कि वो ब्लैक सारे डिफरेंट है, डिफरेंट डिजाइन होगा या डिफरेंट नंबर देखने में मिलती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 10/84। अगर आप इसको 2 से कैंसिल करो ये हो जाएगा 5/42, और उसके बाद तो ऑब्वियसली कैंसिल सॉल्व नहीं होगा। तो 5/42 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इजी तरीका इसका क्या है, भाई ए इवेंट था कि तीनों बॉल जो है नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, नहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री होता मतलब इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री होता, ये इवेंट है ना ऑल 3 बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता कि ऑल 3 बॉल जो है वो ब्लैक ना हो। तो उसमें ऐसे भी केस होते हैं जिसमें 2 ब्लैक होती, 1 ब्लैक होती या कोई भी ब्लैक नहीं होती, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता। ये जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है इसका, ये किस तरह सॉल्व होगा, इसमें उन्होंने बोला कि कोई भी बॉल ब्लैक ना हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ऊपर वाले का। ठीक है, तो कोई भी ब्लैक कोई भी बॉल ब्लैक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये इस बात को दूसरे तरीके से आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि तीनों व्हाइट हो, भाई ये बोल रहे हैं कि नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, कोई भी बॉल ब्लैक ना हो, 3 की 3 ब्लैक ना हो तो क्या होंगी, भाई ब्लैक के अलावा व्हाइट ही है ना, तो उसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि 3 की 3 व्हाइट हो दूसरे तरीके से। ठीक है, तो अगेन इसके कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी, भाई कोई भी बॉल अगर ब्लैक ना हो तो मतलब ब्लैक में से आपने 0 उठानी है, सारी आपने कहां से उठानी है, व्हाइट से उठानी है, व्हाइट 4 है, 4 में से 3 उठाने के कितने तरीके होंगे, 4 में से 3 उठाने के 4 तरीके होंगे। ठीक है, तो 4 केस इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालोगे,
n of b डिवाइडेड बाय n of s, ये हो जाएगा 4/84, 484 से कैंसिल होता है तो ये हो जाएगा 1/21। तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि जो आपने बॉल्स उठाई हैं उसमें से कोई भी ब्लैक ना हो, मतलब सारी के सारी व्हाइट हो, ठीक है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया पार्टी ऑफ n persons, तो नंबर ऑफ persons भाई कितने लोग हैं, n लोग हैं, सिट एट अ राउंड टेबल, राउंड टेबल के राउंड सेट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आप ये कह लो कि सिटिंग अराउंड अ टेबल, अब ये टेबल वाला केस है तो जरा ध्यान में करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्पेसिफाइड इंडिविजुअल सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो पार्ट वन क्या है कि टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, पर्सन कह लो भाई, इतना सोफिस्टिकेटेड इतनी इज्जत क्यों दे रहे, टू पर्टिकुलर पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, कि दो बंदे जो है वो एक दूसरे के साथ हो। अब ये सवाल जो है ये कॉम्बिनेशन का नहीं है, तो ये जहन में रखना, आपने प्रमोटेशन का सवाल है क्योंकि अरेंजमेंट का सवाल है, टेबल के अराउंड लोग बैठे हुए, तो अगर अरेंजमेंट आप डिफरेंट करोगे तो वो डिफरेंट बात कंसिडर की जाएगी, लेकिन परमुटेशन में वो टेबल वाला केस है कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर m लोग हैं तो m लोगों को अरेंज करना है तो m माइनस वन फैक्टोरियल तरीके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सैंपल स्पेस जो है वो जरा आप निकालो, सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि टोटल m लोग हैं, m लोगों को अगर आपने टेबल के अराउंड बिठाना है तो कितने तरीके से आप बिठा सकते हैं, तो अगर आप परमुटेशन का फॉर्मूला लगाओ तो m माइनस वन फैक्टोरियल, टेबल के अराउंड अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 8 लोगों को बिठाना होता था तो 8-1 7 फैक्टोरियल आप कर देते, तो यहां पे m लोग हैं, m लोगों को टेबल में बिठाना है तो एक कम करो, मतलब m माइनस वन उतने फैक्टोरियल तरीके हैं कि आप लोगों को बिठा सकते हैं। अब आ जाओ आप अपने इवेंट पे, इवेंट आपका क्या है कि दो पर्टिकुलर बंदे जो है ना वो एक साथ होने चाहिए, ये केस आपने परमुटेशन में बहुत कंसिडर किए हैं, तो आप इसको इस तरह कंसिडर कर लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सर्किल बनाना चाहो तो बना लो कि दो बंदों को आपने एक साथ बिठा देना है, इनको आपने ग्रुप बना दिया, दो बंदे जो हैं वो एक साथ हैं, पीछे कितने लोग बचेंगे, असल सवाल ये है कि भाई देखो टोटल n बंदे थे तो पीछे कितने बचेंगे m-2, और इन दोनों को जो एक साथ बनाया इसको ग्रुप कंसीडर कर लो, हम वहां पे क्या करते थे, फॉर एग्जांपल 8 लोग थे, आप बोलोगे दो पर्टिकुलर लोग एक साथ बैठेंगे तो आप क्या करो, दो का ग्रुप बना दो, पीछे कितने बचेंगे, पीछे 6 बचेंगे, और जो दो का ग्रुप बनाया उसको हम एक कंसीडर करते थे, 6+1, अब आप 7 लोगों को कंसीडर करते थे, तो यही चीज आप इस तरह कंसीडर करो, आप इसको वर्डिंग में लिख दो, सर्किल में काफी अजीब सी लग रही थी डायग्राम, तो आप ये कह दो कि टाई टू पर्संस टुगेदर, कि दो बंदों को आपने एक साथ बिठा दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, तो अब आप लिखना चाहो तो टोटल पर्सन आप कितने हैं, आप ये कह सकते हो टोटल पर्सन आप कितने हो गए, टोटल पर्सन हो गए भाई m माइनस टू, जो आपने क्या किया था, आपके पास टोटल m बंदे थे, दो को आप निकाल दो तो पीछे कितने बचेंगे m+2, ठीक है, और इसके अंदर आप ऐड करोगे 1, क्यों, क्योंकि जो दो को आप एक साथ बैठाए ना उनको अब आप एक ग्रुप कंसीडर करोगे, तो m माइनस टू टोटल बच्चे रह गए थे बंदे, और जो दो बंदे का ग्रुप बनाया था उसको आप एक कंसीडर करोगे, तो अब कितने लोग हैं आपके पास, अब आपके पास m माइनस वन लोग हैं, मतलब m माइनस टू में 1 ऐड करो तो अब आपके पास m माइनस वन लोग हैं, आपने इनको टेबल के अराउंड अरेंज करना है, तो इसको इवेंट ए कह देते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, m माइनस वन लोगों को अगर आपने टेबल के अराउंड अरेंज करना है तो टेबल के अराउंड अरेंज करने कितने तरीके होंगे, m माइनस टू फैक्टोरियल, सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपने m बंदों को अरेंज करना है टेबल के अराउंड तो m माइनस वन तरीके हैं, अगर आपने m माइनस वन लोगों को अरेंज करना है तो m माइनस टू फैक्टोरियल तरीके हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने दो बंदों का ग्रुप बनाया, अगेन वही, वो दो ग्रुप जो बनाया वो आपस में भी तो पोजिशन चेंज कर सकते हैं ना, तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल, और ये काम कोई नया नहीं है, ये आपने बहुत किया है, तो पहली दफा मैं नहीं करवा रहा, तो मेन कॉन्सेप्ट बस क्या होता है कि जो दो ग्रुप है उनको आप साइड पे कर दो, जो पीछे बंदे बचे हैं उनको कंसीडर करो और उस ग्रुप को एक कंसीडर करो, वो वाले बंदे प्लस वन, ये हो गया आपके टोटल बंदे, आप क्या करो उन टोटल को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके, एम माइनस टू फैक्टोरियल, और जिन दो बंदों को आपने ग्रुप बनाया था वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, तो आप मल्टीप्लाई करो, वो दोनों कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकते हैं।
तो ये वो जो इवेंट है जो आपको सवाल में गिवन है ना, उसको इतने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये इतने तरीके हैं। अब प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेस। इसको सिंपलीफाई नहीं करो अभी, टू फैक्टोरियल को आप टू लिख दो, एम माइनस टू को आप एम माइनस टू लिखो फिलहाल, और सिंपल स्पेस में टोटल कितने थे, एम माइनस वन थे। अब मैंने बताया था ये ऊपर नीचे फैक्टोरियल है, इनको सॉल्व करना 7.1 में सिखाया था, जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसको आप एक्सपेंड करते हो, तो बड़ा वाला जो है वो नीचे लिखा हुआ है, m माइनस वन बड़ा है, तो m माइनस वन फैक्टोरियल को किस तरह लिखोगे, m माइनस वन m माइनस टू, दैट्स इट, यहां पर रुक जाओ, तो फैक्टोरियल लगा दिए, ये आपस में कैंसिल, तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2 अपॉन m माइनस, ये प्रोबेबिलिटी है कि दो स्पेसिफिक लोग आउट ऑफ m पीपल्स अगर एक साथ वो बैठेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी है उनके एक साथ बैठने की, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्पेसिफाइड इंडिविजुअल सिटिंग सेपरेटेड, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो स्पेसिफिक बंदे जो है, पहले वाले केस में था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो स्पेसिफिक बंदे एक साथ बैठेंगे, तो इतनी प्रोबेबिलिटी आ गई थी, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो जो स्पेसिफिक बंदे हैं उनको हमने सेपरेट करना है, ठीक है। अब जरा ये देख लो पार्ट नंबर टू में क्या लिखा हुआ है, टू पर्टिकुलर पर्सन सेपरेटेड, कि दो पर्टिकुलर बंदे जो हैं उनको आपने सेपरेट कर दिया। अब इसको फॉर एग्जांपल इवेंट बी कह देते हैं, बहुत इजी तरीका निकालने का, ये वो तरीका है जो आप परमोटेशन में भी करते थे। भाई आप क्या करो, आप वो केसेस निकालो जिसमें वो सेपरेट हैं। कैसे निकालोगे, ओवरऑल अगर आप देखो तो आपके पास कितने लोग हैं, अगर आप ओवरऑल लोग कह रहा हूं, आप देखो ओवरऑल m लोगों को टेबल में बिठाने के कितने तरीके हैं, ओवरऑल टेबल में बिठाने के m माइनस वन फैक्टोरियल तरीके हैं जो आपने यहां पे निकाला था, ओवरऑल आप m माइनस वन फैक्टोरियल तरीके से लोगों को बिठा सकते हो, उसमें से ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें दो बंदे एक साथ बैठ रहे हैं, दो पर्टिकुलर बंदे जो है वो एक साथ बैठ रहे हैं, ये तरीके हैं, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल अरेंजमेंट में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें वो दो एक साथ हैं, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे वो बचेगा कि जिसमें वो दो एक साथ नहीं है। यही काम करते थे आप परमोटेशन के अंदर, कि आप कॉम्बिनेशन में भी हमने काम किया हुआ है, कि आपने अगर निकाला कि दो बंदे एक साथ नहीं है, तो सिंपल तरीका क्या है, आप निकालो कि ओवरऑल कितने तरीके हैं, दो बंदे अगर एक साथ बैठे तो कितने तरीके हैं, ओवरऑल में से अगर आप एक साथ वाले तरीके माइनस कर दो तो जो रिमेनिंग होंगे वो ऐसे होंगे जिसमें वो दोनों एक साथ नहीं होंगे, मतलब सेपरेट होंगे। तो आपने ये किया, ये ओवरऑल तरीके हैं, ये वो तरीके जिसमें दोनों एक साथ हैं, तो आप इनको माइनस कर दो, तो अब ये वो तरीके आ जाएंगे जिसमें वो दोनों सेपरेट हैं। तो अब आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसको सिंपलीफाई फायदे में भी कर सकते हैं लेकिन मैं अभी करना नहीं चाह रहा। आप प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी n ऑफ b, n ऑफ s, n ऑफ b आप लिख दो m माइनस वन फैक्टोरियल माइनस टू m माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ओवरऑल तरीके कितने, m माइनस वन फैक्टोरियल। तो अब आप एलसीएम ब्रेक करो, m माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस वन फैक्टोरियल माइनस m माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा वन। इसको कैसे लिखोगे, यहां पे भी सॉल्व किया था, 2m माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय माइनस वन फैक्टोरियल आपने भी सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या आया था, 2 अपॉन m माइनस वन। चाहो तो आप दोबारा सॉल्व कर लो इसको, वरना डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, m माइनस वन को 1 से करो माइनस टू, तो अल्लाह भला करे आप लोगों का एंड पे आंसर आ रहा है m माइनस थ्री डिवाइडेड बाय m माइनस वन। तो इतने तरीके हैं कि मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो दो स्पेसिफिक बंदे हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगे, वो सेपरेट होंगे। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह 7.5 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 8 पे आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। यहां पे एकदम से मेरे जहन में एक और मेथड भी है, वो बल्कि इजी मेथड है ये, तो मैंने बिल्कुल वही मेथड एकदम से मेरे जहन में आता जो परमोटेशन में आप करते थे, इसको आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, इससे इजी मेथड बन जाएगा। वो ये है कि आप इसको कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है ना, आपको तो ये डायरेक्ट निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हो ना, आप तो प्रोबेबिलिटी निकालने में इंटरेस्टेड हो,
तो प्रोबेबिलिटी निकालने का बेस्ट तरीका है कि कॉम्प्लीमेंट्री बैठे हैं आपस में। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि दो बंदे एक साथ बैठे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है कि वो दो बंदे एक साथ ना बैठे, मतलब सेपरेट हो। तो ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई है तो आप मेंशन कर दो कि ये भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, आप वन में से इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की ऐसी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो। तो देखो काम वही किया हुआ है, शुरू के तीन स्टेप आपके एक्स्ट्रा है, एंड पे वही बात हुई हुई है कि वन में से आपने माइनस करना है इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वन में से आप इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, सिंपल बता दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। और चाहो तो मतलब अगर आप इस तरह सॉल्व करोगे ना तो फिर नोटेशन आप ये रख लेना पी ऑफ ए प्राइम, मतलब जो ए इवेंट डिस्कस किया है उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सिंपल तरीका होगा वन में से आप इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी उसका मतलब ये है कि ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें वो एक साथ नहीं बैठेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। इस तरह भी कर सकते हो, दो दिन स्टेप एक्स्ट्रा हुए। लेकिन एक और तरीका भी मेरे जहन में आया था, मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक है,